हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट आ रही है आरआरबी जेई की साइट से। इस जोन का पहली बार सप्लीमेंट्री पैनल जारी कर दिया गया है। सभी कैंडिडेट्स के लिए कह सकते हैं बहुत ही गुड न्यूज़ है। आप वीडियो में बने रहे, अपन चलते हैं अभी आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर और चेक करते हैं कितने कैंडिडेट्स का नाम इसमें है। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सॉरी, भी थोड़ा सा वॉइस की दिक्कत आ सकती है दोस्तों। मैं जॉब पर हूँ, थोड़ा बाहर निकला हूँ, अभी लेटेस्ट अपडेट आया तो सोचा मैंने वीडियो बना दूँ सभी मेरे भाई लोगों के लिए। तो चलो, अब बातें बहुत हो गई, अब फटाफट आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों देखिए, अपन पहुंच चुके हैं आरआरबी अहमदाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहां से सप्लीमेंट्री पैनल जारी किया है, मैं आपको बता देता हूं वो नोटिफिकेशन कैसे देखना है और कैसे डाउनलोड करना है। तो ये देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं अपना जो एडवर्टीज़मेंट नंबर आया था 03/2018 जेई का सप्लीमेंट्री पैनल। दोस्तों 25 तारीख की ही, कल की ही डेट में एक ऑफिशियल नोटिस आया है। ये मैंने टैप कर लिया, इसे डाउनलोड कर लेते हैं अपन। ये देखिए दोस्तों, सॉरी मेरा थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, उसके कारण थोड़ी दिक्कत आ सकती है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं और वापस इसे क्लिक करके देखते हैं। ये देखिए, ये दोस्तों डाउनलोड हो रहा है, फ्यू मिनट्स लगेंगे, ये डाउनलोड हो चुका है। और ये नीचे आ गए अपन, और ये देखिए दोस्तों, ये खुल चुका है 25 तारीख, देख सकते हैं आप। और इसमें क्या लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ फर्स्ट सीबीटी कंप्यूटर टेस्ट हेल्ड फ्रॉम 22 to 26, इसमें लिखा हुआ है कि CBT 1, CBT 2 और जो DV था एज वेल एज़ मेडिकल, हमने किस डेट से लेके किस डेट में कंडक्ट करवाया। दोस्तों ओनली एक ही कैंडिडेट्स का नाम इसमें लिखा हुआ है और जो रोल नंबर भी इसमें मेंशन है, इज़ गिवन बिलो इज़ प्रोविजनली इम्प्लॉयड फॉर द पोस्ट ऑफ JEE। कौन सा पद इन्हें जो हासिल किया है, कैरिज इंजीनियर कैरिज एंड वैगन कैटेगरी नंबर 15 के अंतर्गत। हिज नेम अलॉन्ग विथ अदर डिटेल हैज़ बीन रिकमेंडेड टू जनरल मैनेजर। इनकी पूरी की पूरी जो डिटेल्स है वो जनरल मैनेजर वेस्टर्न रेलवे इनको दे दी गई है फॉर फर्दर प्रोसेस ऑफ ऑफरिंग अपॉइंटमेंट। जो बाकी के अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसके आगे बढ़ेगी। द पार्ट रिजल्ट नोटिफाइड ऑन जो पैनल लिस्ट आई थी 16 तारीख को, उनमें इनका नाम था, वो भी OBC एक वैकेंसी में उसको विथहेल्ड रखा गया था। तो अब इनका नाम सप्लीमेंट्री पैनल में, इट लिखा है, इट मे बी नोटेड दैट मेनली इम्पेलिंग अ कैंडिडेट है डज नॉट एनी इंटाइटल्ड विथ हर एन अपॉइंटमेंट। दोस्तों जो इम्पेलिंग का नाम है, इससे कोई भी रिलेवेंट नहीं कि इनको जॉब जो ऑफरिंग लेटर है, जॉइनिंग लेटर है, वो भेजा जाएगा। इसके लिए इन्हें वेट करना पड़ेगा। अगर कुछ ऐसा लगता है, कुछ एरर या कुछ त्रुटि, तो रेलवे के पास इसके राइट्स रहते हैं, वो इसे बिल्कुल रिकरेक्ट और वापस से पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। और आगे कुछ भी इसमें इतनी खास बात नहीं लिखी है, बस यही लिखा है कि अगर कुछ रहता है तो रेलवे, इसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंटिंग मिस्टेक्स भी हो सकता है तो रेलवे उसे ठीक कर सकता है। कोई भी एक ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा और रेलवे उसे ठीक कर देगा। और बाकी लिखा हुआ है, फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट आप आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहें। तो आज के नोटिफिकेशन में इतना ही है। होप आप सभी को कुछ ना कुछ एक इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर कुछ कमेंट्स, अगर कुछ डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, अपना खुद का ध्यान रखें, मेहनत करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।